ये वो प्लॉट्स हैं जिनको आप बाई करते साथ ही इन पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। पोजेशन वाले तमाम प्लॉट्स होंगे, आपको डिवेलप ब्लॉक के अंदर इनका विजिट भी करवाया जाएगा, प्रॉपर जायज़ा दिया जाएगा कि सराउंडिंग में डिवेलपमेंट स्टेटस क्या है, इसके अलावा नियर बाय आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्या प्राइस रेट है उन ब्लॉक्स के अंदर, आपको इसका भी अंदाज़ा हो सकेगा इस वीडियो से। आपको स्पेसिफिक फेज़ टू के अंदर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक का आपको विजिट करवाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद यासिर इफ्तिखार। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ न्यू लॉर्ड सिटी फेज़ टू के पोजेशन वाले प्लॉट शेयर करने जा रहा हूं। ये वो प्लॉट्स हैं जिनको आप बाई करते साथ ही इन पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। पोजेशन वाले तमाम प्लॉट्स होंगे, आपको डिवेलप ब्लॉक के अंदर इनका विजिट भी करवाया जाएगा, प्रॉपर जायज़ा दिया जाएगा कि सराउंडिंग में डिवेलपमेंट स्टेटस क्या है, इसके अलावा नियर बाय आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्या प्राइस रेट है उन ब्लॉक्स के अंदर, आपको इसका भी अंदाज़ा हो सकेगा इस वीडियो से। आपको स्पेसिफिक फेज़ टू के अंदर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक का आपको विजिट करवाया जाएगा, जिसमें आपको प्लॉट्स की जस्ट वन ऑप्शन आपके साथ शेयर की जाएगी, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि उस ब्लॉक में आपको क्या रेट मिल रहा है, प्राइस रेट क्या मिलता है, इसके अलावा आपको वहाँ पे सराउंडिंग में डेवलपमेंट स्टेटस क्या मिलता है और नियर बाय क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यह उन हमारे क्लाइंट्स के लिए अच्छी ऑप्शन है जो कि चाह रहे होते हैं कि प्लॉट बाय करते साथ ही कंस्ट्रक्शन कर सकें, ना कि हमें वेट करना पड़े कि वहाँ पे डेवलपमेंट आए या सराउंडिंग में कमर्शियल प्लाजाज वगैरह बने या कोई कमर्शियल मार्केट हो। ये प्लॉट्स जो आपके साथ शेयर की जाएंगे, ये उन क्लाइंट्स के लिए जो कि चाह रहे होते हैं कि यार प्लॉट लेते साथ ही उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें, ना कि हमें वेट करना पड़े कि डेवलपमेंट स्टेटस वहाँ पे इंप्रूव हो फिर हम वहाँ पे अपनी रिहाइश रखें, बल्कि ये वो प्लॉट्स हैं जो कि आप परचेज़ करते साथ ही इन पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रिहाइश रख सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग में आपको डेवलपमेंट का स्टेटस भी इंप्रूव मिलता है, लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा आपको कमर्शियल मार्केट, मेन बुलेवर्ड और ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि ज़रूरियाती ज़िंदगी होती हैं वो भी तमाम आपको नियर बाय मिलेंगी। तो चलिए आइए चलते हैं अपने प्लॉट विजिट की तरफ। जी व्यूवर्स, फर्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है इस टाइम मैं न्यू लॉर्ड सिटी के फेज़ टू के ए ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। ये फर्स्ट ही लेन है ए ब्लॉक की, 1 से लेकर 20 वाली लेन में इसके अंदर एक 5 मरला का प्लॉट मौजूद है। इसकी अगर डिमांड की बात करूँ 55 लाख इसकी डिमांड है। पोजेशन वाला प्लॉट है, यहाँ पर आप प्लॉट बाय करते साथ ही उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये 60 फीट रोड पर इसकी लोकेशन आ रही है। ये सामने रोड बिल्कुल आपको नियर बाय स्कूल मिलता है वॉकिंग डिस्टेंस पर ही, जो कि ऑपरेशनल स्कूल है न्यू लॉर्ड सिटी फेज़ टू का। ये एक अच्छी ऑप्शन है, आपको नियर बाय तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। कमर्शियल की बैक का प्लॉट है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा कमर्शियल वाली लेना है। मेन बुलेवर्ड से भी ईजी अप्रोच है इसकी, सामने बिल्कुल मेन बुलेवर्ड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये वो प्लॉट है जो आप लेते साथ ही इस पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और फेज़ टू के ए ब्लॉक की फर्स्ट वाली लेन है, 1 से 20 वाली लेन, एक अच्छी ऑप्शन है। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसे कंसीडर करना चाहिए। जी व्यूवर्स, नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है न्यू लॉर्ड सिटी के फेज़ टू के अंदर मैं मौजूद हूँ स्ट्रीट नंबर 3 में बी ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर मेरे पास एक कॉर्नर का प्लॉट मौजूद है, 5 मरला का प्लॉट है। इसकी अगर डिमांड की बात करूँ 63 लाख इसकी डिमांड की जा रही है, ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ, जिसमें एक्सेस लैंड भी पेड है और पोजेशन भी पेड है। ये ऐसा प्लॉट है जो आप लेते साथ ही इस पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, सराउंडिंग में डेवलपमेंट का स्टेटस भी आप देख सकते हैं, घर बने हुए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑलमोस्ट आपको ये बी ब्लॉक जो है फेज़ टू का, ये आपको ऑलमोस्ट ऑपरेशनल मिलता है, यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं, एक डिवेलप ब्लॉक है। ये आप देख सकते हैं, ये 40 फीट रोड है, ये मेन बुलेवर्ड को ईजी अप्रोच है इसकी। ये सामने जहाँ पर आपको बाइक भी जाती हुई नज़र आ रही है, ये मेन बुलेवर्ड से ईजी अप्रोच है, सामने बिल्कुल मेन बुलेवर्ड है। कमर्शियल मार्केट भी आपको नियर बाय मिलती है। ये वो लोगों के लिए एक अच्छी ऑप्शन है जो चाह रहे होते हैं कि प्लॉट बाय करते साथ ही एक डिवेलप ब्लॉक हो, जिसमें हम प्लॉट बाय करते साथ ही उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें, एक अच्छी ऑप्शन है। रीज़नेबल प्राइस में आपको ये अवेलेबल मिलेगा, कंफर्म प्लॉट है। अगर आपको ये प्लॉट पसंद आया हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है इस टाइम मैं फेज़ टू के सी ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। 1 से 15 वाली लेन के अंदर मेरे पास एक 5 मरला का प्लॉट मौजूद है। इसकी अगर डिमांड की बात करूँ तो 62 लाख इसकी डिमांड की जा रही है, ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ, एक अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पर आप प्लॉट बाय करते साथ ही इस पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लेवल भी आपके सामने ही है, घर बन रहे हैं, लोग काफ़ी तेज़ी से इसको डेवलप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% आप कह सकते हैं डेवलप ब्लॉक है, घर बने हुए हैं, मेन बुलेवर्ड से भी इजी अप्रोच है आपको और इसकी कमर्शियल मार्केट भी आपको नियर में मिलती है।
ये सामने बिल्कुल मेन बुलेवार्ड है जहाँ पे गाड़ी टर्न हुई है लेफ्ट साइड पे, सामने आपको राउंड अबाउट मिलता है, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। एक अच्छी ऑप्शन है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको हमारी तरफ से रिकमेंड होगी। जी व्यूवर्स, नेक्स्ट जो मेरे पास लास्ट ऑप्शन मौजूद है, इस टाइम मैं फेज़ टू के डी ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के तीनों के एक एक प्लॉट का मैंने आपको विजिट भी कराया, प्राइस से भी अपडेट किया। इसी तरह ये लास्ट में ऑप्शन मौजूद है, इस टाइम मैं डी ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। इस लेन में मेरे पास एक 5 मरला का प्लॉट मौजूद है, 108 से 121 वाली लेन में। इसकी अगर डिमांड की बात करूँ, 62 लाख इसकी डिमांड है ओल्ड यूज़ क्लियर के साथ। यहाँ पर भी आप प्लॉट लेते साथ ही उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और रिहाइश रख सकते हैं। सराउंडिंग में डिवेलपमेंट का स्टेटस भी आप देख सकते हैं, घर बने हुए हैं। ऑलमोस्ट आपको ये डिवेलप ब्लॉक मिलता है, जिस तरह के सी ब्लॉक डिवेलप आपको मिलता है 50%, इसी तरह आपको ये डी ब्लॉक भी ऑलमोस्ट डिवेलप मिलता है। एक अच्छी ऑप्शन है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको हमारे तरफ से 100% रिकमेंड होगा। जो लोग चाह रहे होते हैं कि प्लॉट परचेज करते साथ ही उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें और अपनी रिहाइश रख सकें, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आपको अपडेट किया जाए कि फेज़ टू के तमाम ब्लॉक्स के अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं। ए बी सी डी ब्लॉक का आपको विज़िट भी करवाया गया, मतलब कि आपको जो प्लॉट्स का विज़िट करवाया गया, आपको उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि सराउंडिंग में डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और क्या नियर बाय आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, अगर आप न्यू लॉर्ड सिटी के किसी भी फेज़ में कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, या आपका कोई कंसर्न है, आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर +92 333 111 4200 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आप उस पर भी जस्ट वन क्लिक से मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड, अलकबी टाउन या इसके अलावा सराउंडिंग में किसी भी सोसाइटी में आप बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, या आप बैरिया ऑर्चर्ड के कमर्शियल हब में, जो कि बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है, कमर्शियल हब बनने जा रहा है, उसमें आप कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, कोई अपार्टमेंट्स के रिलेटेड या कमर्शियल शॉप्स के रिलेटेड, तो तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेशन में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मार्केट की पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इससे बाखबर रहें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो, एक न्यू टॉपिक के साथ। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।